आपके कैरेट स्क्वेयर डिफेंस एकेडमी में। और जैसा कि आप सबको पता है कि कैरेट स्क्वेयर डिफेंस एकेडमी ने ऐसे महारथों को तैयार किया है जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे ही हमारे साथ हैं अजीत मौर्या। और अजीत मौर्या रहने वाले प्रॉपर बस्ती के हैं, जो शायद अयोध्या से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है। और बस्ती से निकल कर ये प्रयागराज आए, तैयारी किया, दो बार इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन किसी कारणों से रुका, और उसके कारण भी यही है, आई एग्री अजीत? हाँ, तो अजीत ने एक्स ग्रुप की परीक्षा दी थी, जिसमें अजीत का एक्स ग्रुप में 70 नंबर का मार्क्स था, टोटल पूरा 70 का था, जिसमें 61 नंबर लेके आया, मार्क्स 71 की 70 में 61 लेकर आया, और ऑल इंडिया में अपना एक बेहतर स्थान हासिल किया और अपने आप को साबित कर दिया कि सर मैं बस्ती का लाल हूँ और आपने मुझे पढ़ाया, आप सब ने तैयार किया और आप सबकी बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुँच गया। असल मेहनत तो इनकी है, अजीत की, और असल मेहनत इनके माँ बाप की है, जिन्होंने अपने चांद से टुकड़े को प्रयागराज जैसे कुखार शहर में भेजा और इनको पढ़ने के लिए यहाँ पर इनको तैयार कराया। और तैयारी के साथ साथ इन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया कि सर मैं और जगहों पर ना जाकर और परेशानियों को ना झेलकर मैंने मेहनत की, मैंने तैयारी किया और अपने दिनों को याद करता रहा, और उन दिनों को याद करते करते मेरा फाइनली मेरा सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स की पहली परीक्षा में हो गया। और ऑल इंडिया लेवल पर अभी तक इतना ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट मैं नहीं देख पाया कि 70 में 61 लेकर आया और इंडिया में एक बेहतर स्थान लेकर आ गया मेरा बच्चा। और अजीत तुम बताओ कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है, और कोई डिमोटिवेशन कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मैं 70 आउट ऑफ 70 कर सकता था? थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है ना कि 70 आउट ऑफ 70 जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? 62 तो 63 तक हम जा सकते थे, हमारा फिजिक्स में जी दो क्वेश्चन बहुत सिंपल गलती हो गए थे। हाँ, तो वो भी हड़बड़ी में हुआ होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा सा स्पीड बहुत ज़्यादा था, उतना मतलब क्वेश्चन ही नहीं पड़े थे, उतना क्वेश्चन नहीं तैयार किया था आपने। तैयारी तो बहुत अच्छा था, मतलब वो क्वेश्चन सिंपल था लेकिन इतना स्पीड था कि हम पूरी तरह क्वेश्चन पढ़े नहीं, मतलब वहाँ तीन साहब ने कहा था उसको अच्छा से मार्क थी गलती कर दी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, GDSIT क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एलके पांडे सर से भी मुलाकात हुई कि नहीं ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर से? अभी नहीं हुई, अभी आपको मिलवाते हैं ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर से, अभी आप थोड़ा सर से मिलवाइएगा, रोहित सुबेदार सर थोड़ा भी आप ग्रुप कैप्टन के पांडे सर से बच्चों को मिलवाइएगा, बताइएगा इंडिया में सब सर सर्वोच्च स्थान लेकर आया है बच्चा, समझ रहे हैं? तो और आपको कितना बेटा? 37.25 एक्स ग्रुप था आपका, अभी 28 कट ऑफ गया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका भी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ भी, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, बाकी हमारी जो भी मदद होगी हम पूरी तरह से खड़े हैं। बच्चों आपको पता है कि हम आपसे हमेशा कहते थे कि फिजिकल ट्रेनिंग मस्ट है, अब आपको समझ में आ रहा है कि समय तो मिला ही नहीं, क्या समय, कितने तारीख को है आपका GDSIT? 21 तारीख को इनका GD और SRT, और कितने तक कहाँ है आपका GDSIT? कानपुर, तो कम से कम एक दिन पहले तो आपको निकलना पड़ेगा, तो 19 या 20 को ये निकल जाएंगे। अब आप बताइए, आप आज हो गए 13-12 तारीख और 6 दिन का सब समय है, 6 दिन में ये क्या तैयार करेंगे, PFT या GD और SRT? ठीक, लेकिन हम आपको बताएं कि कैडेट स्क्वेयर डिफेंस अकेडमी इसीलिए लेडी डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बेटा, क्योंकि रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल के साथ ही साथ आपकी 4 घंटे की क्लास अलग से चलती है, इसीलिए हम बेहतर परिणाम दे पाते, बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। और कारण क्या है, GD SRT के लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, सही बात है? तो अब आपको रेगुलर फिजिकल फिटनेस टेस्ट जाना पड़ेगा, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई है, तो भैया अभी भी थोड़ा सा समय बचा है, अगर अभी घर में बैठ गए सोचे यार सुबह उठेंगे दौड़ेंगे, नए वीडियो में जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।